लंबे समय से बंद रहने के बाद वेलिंगटन जूट मिल गेट पर मिल खुलने का नोटिस लगाया गया। नोटिस के अनुसार 10 जुलाई को मिल खुलनी थी, लेकिन प्रबंधक के तरफ से 25 जुलाई की सुबह तक मिल नहीं खोली गई। तो मिल में स्वीकृत यूनियन के नेताओं ने मिल गेट के बाहर भूख हड़ताल करने का मन बना लिया। रविवार सुबह यूनियन लीडर सुमंगल सिंह के नेतृत्व में कुल 3 यूनियन के लीडर और श्रमिक गेट के बाहर एकत्रित होकर भूख हड़ताल करने जा रहे थे। इसकी खबर प्रशासन को लगते ही दलबल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और भूख हड़ताल के लिए तैयार यूनियन लीडर और मजदूरों को मिल गेट के पास धारा 144 का हवाला देकर वहां से हटा दिया। भूख हड़ताल करने से रोकने आई पुलिस के साथ श्रमिक नेताओं, श्रमिकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से बंद पड़ी वेलिंगटन जूट मिल को खोलने को लेकर कोलकाता के स्वयं दफ्तर में श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना की अध्यक्षता में 8 जुलाई को एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मिल खोलने को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद से ही मिल प्रबंधक के तरफ से मिल गेट पर लगा सस्पेंशन ऑर्डर का नोटिस हटा दिया गया और 10 जुलाई से मेंटेनेंस का काम चालू करने का नोटिस लगाया गया था। बावजूद इसके 25 जुलाई तक मिल में काम शुरू नहीं होने पर मिल के सभी कृत यूनियन के लीडर और श्रमिक भड़क उठे। उन्होंने मिल प्रबंधक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और भूख हड़ताल पर जाने का मन बना लिया। जो करने का बात था रात में हमारा जीना इनाम का तरफ का पास मैनेजमेंट